हेलो दोस्तों, आज हम कहाँ पे हैं भाई? बताओ भाई, मेरे को नहीं आता। नहीं आता भाई? हेलो दोस्तों, हम आए हैं दिल्ली के सराय रोला। यहाँ से हम ले रहे हैं रिंगस की रेन जिस, और यहाँ से रिंगस, और देखते हैं कैसा सफ़र रहता है। बाबा जी ने हमें कहाँ तक बुलाया, वहाँ से खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराएंगे आज आपको भी, तो बने रहना। देखते हैं कैसा सफ़र रहता है। बाबा जी ने हमें कहाँ तक बुलाया, वहाँ से खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराएंगे आज आपको भी, तो बने रहना। ये है अपना रेलवे स्टेशन, ये है अपने मनीष भाई जो साथ हमारा दे रहे हैं आज। ये हमारे मनीष भाई हैं, इन लोगों को देखिए, ट्रेन को मेट्रो कह रहे हैं, मेट्रो को बस कह रहे हैं। ज़्यादा ही खुशी हो रही लगता है इन्हें चलने की बाबा के दरबार में। 6:36 हुए हैं अभी और हम अभी ट्रेन के लिए जा रहे हैं। ट्रेन आगे देखते हैं, हमारी ट्रेन खड़ी हुई है ये नीचे। तो देखो बाबा जी, अब हमारे एकदम से हमारा प्लान बना तो हम बाबा पास जा रहे हैं। हमें नहीं पता कहाँ से क्या था क्या नहीं था, बस बाबा ने बुलाया और हम चल दिए। हम लोगों ने ली लोकल ट्रेन की टिकट जो टोटल पड़ी हमें, हम दोनों की 210 रुपये की। तो हम लोग जैसे तैसे करके ट्रेन में बैठे। ये हमारी ट्रेन पहुंच गए हम रिंगस। रिंगस पहुंचते ही बाबा के बहुत सारे हमें भक्त दिखे, और यहाँ पे हमें आते ही एक अलग जो हमें थकान हो रही थी मैं ट्रेन के अंदर, वो सारी हमारी मिट गई। देखिए बाबा के भक्त बहुत हैं, सब जगह बाबा के भक्त हैं। अब आएंगे बाबा के भक्त, हम आपको दिखाते हैं कैसे नाश्ते गाते हुए आएंगे, बने रहिए। हमारा एंट्रेंस, जैसे हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही हमें दिखती हैं शॉप्स बहुत सारी खाने पीने के लिए। आप यहाँ खाना पीना खा सकते हैं। हम लोगों ने पहले सोचा कि हम क्यों ना पहले एक होटल ले ले। होटल के लिए हम जैसे ही आगे गए तो हमें लूटने के लिए बहुत लोग मिले। कोई कह रहे हैं बरांडे में सो जाइए, कोई कह रहे हैं कहीं सो जाइए, आप 500 रुपये दे देना। कोई किसी के रूम पर ले जाके हमें छोड़ दिया, कह रहे आप यहाँ पर रहिए और सोइए। हम लोग उन सबसे बचते हुए एक होटल मिला, जो कि हम आपको अभी वीडियो में दिखा रहे हैं। ये होटल है, ये हमें मात्र 1000 रुपये का पड़ा है। ठीक है, होटल रात में रहने के लिए हमें मिल गया पूरे नेक्स्ट डे 4-4 बजे तक के लिए। ये होटल का नाम, यहाँ से हम यहाँ पे रहे। 1000 रुपये हमारे मनीष भाई, 1000 रुपये का हमें पड़ा ये पूरा रूम। थोड़ा हमने रेंट वेंट पे किया, 1000 रुपये से बिल्कुल कम नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने फिर चलो कहा कोई नहीं, वो कह रहा आप पूरे पैसा भी जमा करो नहीं तो नहीं मिलेगा रूम। मैं चलो कोई नहीं आप लोग। फिर हम लोग पास के रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे इतनी लूट मचा रखी है, इतनी लूट मचा रखी है कि आप रेट देख सकते हो। ये आपको सिर्फ फिर भी लग रहा होगा बहुत, यहाँ की सब्जियों में कोई टेस्ट नहीं है। आप ज़्यादा बेटर है अपने घर से खाना लाइए और रात बिता के खाना खा के और रात में अपना सफ़र कीजिए। अगर आपको निशानी लेनी है निशान लीजिए और पैदल निकल जाइए, रात के टाइम ही ज़्यादा बेस्ट है। ये रात में थोड़ा ठंडा मौसम होता है तब उस टाइम निकल सकते हो, और अगर आप गाड़ी के थ्रू जाना चाहते हो गाड़ी के थ्रू भी आप जा सकते हो। 50 रुपये लगता है, लेकिन अभी फागुन का महीना है, मेला लगा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर
आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे वन साइड के। तो बाबा के दरबार में आइए और खुशी खुशी जाइए और मस्त रहिए। रात में हमने सोचा हम क्यों रुके यहाँ पर, रुकने से अच्छा है रात में ही बाबा के निशान लेके चलते हैं पैदल। तो हम लोगों ने रात में नहाया धोए, नहा धो के अपना फ्रेश होके चल दिए बाबा के दर्शन के लिए। हम लोग चलो बाबा रात में ही कह रहे हैं तो चलो हम रात में चलते हैं। रात में हम लोग 2:30 बजे नहा धोकर निकले होटल से। निकलने के बाद ही हम लोग बाबा के मस्त गुणगान करते हुए चले। तो हमें बाबा के पास अच्छा लगा कि हाँ, मन में थकान तो बिल्कुल थी नहीं, क्योंकि बाबा जिसके साथ हैं उसको थकान कैसी होगी। तो बोलो हारे के सहारे की जय। बाबा श्याम, बाबा जैसे बुलाएंगे हम वैसे ही चलेंगे, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं करते। बस इस बात की खुशी है कि बाबा ने हमें अपने दरबार में बुलाया, वो भी जल्द ही बुलाया, क्योंकि हम 2-3 महीने से ट्राई कर रहे थे कि हम जाएंगे जाएंगे, हर बार किसी वजह से हमारा ही कैंसिल हो रहा था बाबा के पास जाना। तो चलो हम तो रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं हम बाबा के लिए ये रूम। हम ताला लगाएंगे रूम में, ताला लगा के चलते हैं बाबा के दरबार। तो हम बाबा के यहाँ पर आए, हमने कहा चलो अब आपको दर्शन कराते हैं बाबा के लिए। बाहर का भी नज़ारा हम आपको दिखा ही चुके हैं, फिर भी हम दोबारा आपको दिखाएंगे एक बार चलने से पहले। तो बाबा के यहाँ पे पूरे रात 24 घंटे बाबा के गुणगान होते रहते हैं। बाबा की मान्यता बहुत है, जो नहीं गया आज तक खाटू श्याम, वो भी आप खाटू श्याम जाएगा जरूर, चाहे वो कितना भी आनाकानी करता रहे, लेकिन बाबा उसको हम बुलाएंगे जरूर अपने पास। ये बाबा को वरदान है कि उनके दर्शन के लिए कोई ना कोई आएगा, हर कोई आएगा। ये है 10 रुपए का जॉय साबुन जो हमने नीचे से लिया, शायद इसमें एक बंदा तो ना ही सकता है। देखिए इतना बड़ा साबुन है ये, हमने कहा थोड़ा बड़ा दे दो, थोड़ा पैसे ज़्यादा ले लो, कह रहा है इतने यहाँ पे इतना ही साबुन मिलेगा, आपको इससे बड़ा साबुन नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग नहा धोकर फ्रेश हुए। तो आप बने रहना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलते हैं बाबा के दरबार। बोलो हारे के सहारे की जय, जय बाबा खाटू श्याम की। ये हम चल दिए निशानी लेकर नहा धो के, बाबा जो कहेंगे सही कहेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे। ये देखिए ये बाहर जगह जगह पंडाल लगे हुए थे खाने पीने के लिए, आपको रात में टोलियां मिलती रही हमें और आपको ही मिलती रहेंगी। ये सभी निशानी लेके चल रहे हैं 18 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए, कुछ नंगे पैर कुछ चप्पल जूते पहनकर। तो चलते रहे, बाबा ने जैसे बुलाया लोग वैसे ही चलते रहे। तो कुछ टोलियां हमें आगे छोड़ती चली गई आगे, कुछ हम पीछे छोड़ते चले गए कई टोलियों को, लेकिन हम टोलियों के साथ ही रहे किसी न किसी। तो बाबा ने कहा चलो आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ। तो बाबा हमें लेके चलते रहे और यहाँ पे संगीत के साथ चल रहे थे। बाबा के भक्तों को देखकर हमें भी बहुत खुशी हुई, बाबा के हमें जाने का मौका मिला। तो यहाँ आई फागुन का मेला लगा है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत रौनक है। आप ये कह सकते हैं आप चलते रहेंगे आपको थकान नहीं होगी। बाबा ने पूरी की पूरी शक्ति हमें दी थी कि हम चलते रहे रात भर, और हमने सुबह पहुंचकर दर्शन बाबा के किए। तो आप देखिए हम चल रहे हैं। ना कहूं मैं किसी से बस तो सेवा तू, मुझको सताए जाके कभी दर्द, बस नाम है तेरा लेना। गम मेरे हर के तू ओ मेरे बाबा, बस खुशियां मुझको तू देना। तेरा ही नाम लेके मैं बाबा रोज चलता रहता हूँ। श्यामा प्रीत मैं तो से लगा बैठा हूँ, श्यामा प्रीत मैं तो से लगा बैठा हूँ, बाबा प्रीत मैं तो से लगा बैठा हूँ।
खुले वातावरण में हमें सुबह सुबह की सूरज की किरणों के साथ बाबा श्याम के दर्शन हुए। इतना मनमोहक दृश्य था देखने के, आपको क्या बताएं। देखिए क्या मनमोहक दृश्य है ये। जय खाटू श्याम की, हरे के सहारे की जय। चलते चलते हम बहुत थक गए, थकने के बाद भी फिर हमें हमारा मन कर रहा था हम जल्दी भगवान बाबा के दरबार पहुंचे। बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग चलते रहे, चलते चलते हमें ये लगता रहा बस बाबा का दरबार आ गया, बस बाबा का दरबार आ गया। इसी सहारे हम चलते चलते बाबा के पास पहुंचे। सुबह तक इतना ज़्यादा उन्हें अच्छा लगा था जितना कि हमें रात में ज़्यादा अच्छा लगा घूम बाबा के लिए चलने के लिए, क्योंकि रात में थोड़ा ठंडा मौसम भी था, सुबह धूप आते ही थोड़ी गर्मी हो गई। लेकिन बाबा के भक्त चले जा रहे हैं बस चले जा रहे हैं। हम लोग रात में चले थे 2:30 बजे और सुबह जाके 17 किलोमीटर हम लोगों ने तय किया पूरे 10 बजे। हमें बाबा के दर्शन हुए, दर्शन करते ही बाबा जो भी हमारे हाथ पैर में जो भी थकान हुई थी एक सेकेंड में उतर गई, हमें पता ही नहीं चला कि हमारी थकान वैसे उतर गई। जैसे जैसे दिन चल रहा था वैसे वैसे बाबा के भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। जो जगह जगह पंडालों में सोए हुए थे वह सभी उठकर अब बाबा के दर्शन के लिए चलने लगे थे। पूरी रात आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाय पानी कॉफ़ी खाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी अगर आप रात में चलते हैं या दिन में चलते हैं, क्योंकि बाबा के भक्त बहुत हैं जो जगह जगह पंडाल लगाकर पानी पिलाते हैं चाय पिलाते हैं। और फिर हमें दूर से दिखा बाबा का दरबार। जय हो तीन बाण धारी की। हम पहुंचे हैं बाबा के दरबार। देखिए क्या झूम रहे हैं। फिर हम थोड़ा अंदर चले, अंदर चल के हमें साइड में ही दुकानें मिठाइयों की दुकानें, वैसे तो पूरी अंदर तक शॉप्स हैं आपको मिठाइयों की मिल जाएगी जहाँ से बाबा के लिए प्रसाद ले सकते हैं। हम लोगों ने बाहर से प्रसाद लेना ज़्यादा प्रेफर करा क्योंकि फिर हम अंदर जाते तो हमें दोबारा 2 किलोमीटर से घूम के चप्पल जूते लेने के लिए आना पड़ता, तो हम प्रसाद वाले के पास ही हम लोगों ने अपने जूते चप्पल रखे, हाथ धोए, बाबा का प्रसाद लिया और फिर चल दिए। अंदर भी आपको कम से कम 2 किलोमीटर का टाइम, 2 किलोमीटर है अंदर पैदल चलना पड़ेगा आप। तो हम लोगों ने बाहर से फूल भी लिया था, पहले तो फूल की डंडी तोड़ी गई नीचे जो बड़ा सा होता है, फिर जाते जाते फूल के ऊपर के नीचे का हिस्सा भी निकाल लिया जो जहाँ पे फूल लगे हुए होते हैं, फिर एंड में से फूल भी ले लिया गया। कहा गया कि अंदर फूल नहीं चढ़ेगा, कोई प्रसाद नहीं चढ़ता अंदर ना कोई फूल चढ़ेगा, बाहर ऐसे लोग करते हैं। बाबा जी लाइव दिखाए जा रहे थे, दर्शन हो रहे बाबा के। में जा दर्शन करने के लिए चैनल पे आ रहा है लाइव। बोल दिया लाइव नहीं है जितनी होती है, ऐसे ही था थोड़ा ज्यादा जो ज्यादा नहीं था सजावट, पर हमें तो बाबा के दर्शन करने हैं, हमें बाकी चीजों का क्या लेना देना। जय बाबा की। कह रहे थे आगे कि आपको वीडियो बनाना मना है, आप वीडियो नहीं बना सकते तो हम ज्यादा देर दर्शन आपको नहीं करा पाएंगे, थोड़ी सी आप झलक में बाबा के दर्शन कर लीजिएगा और साथ में नारा लगाइए जय खाटू श्याम बाबा की, जय तीन बाण धारी बाबा की, जय हो बाबा जय हो, जय हो जय खाटू श्याम बाबा की। फिर हम दर्शन करके बाबा के बाहर आए। जय
जय श्री श्याम बाबा की। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खाटू प्रेमी सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।